गुड मॉर्निंग। सर सबका वीडियो वो आएगा, वीडियो ऑन है, वो ऑफ नहीं है, वो हाँ आएगा। सबका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कभी उसको नेटवर्क गड़बड़ाता है ना, तो वीडियो आपको नहीं कर सकते। ये हो जाता है। तो देखो, आपको चैप्टर 2 का रिवीजन होगा, है ना? चैप्टर 2 में हम रिवीजन करेंगे। सर आप हमको होस्ट बना दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सबको रीडिंग करवा देंगे। नहीं, आज हम फ्री हैं। ये सब एक आध दो दिन होता है ना, डिबेट जो होता है वो मंथ में एक बार दो बार होता है, देरी का देरी थोड़े होगा। तो हो गया तो पढ़ाएगा कौन? हाँ बंद। देखो तो भूख लगे पागलों, बोल दो ना डॉक्टर बनकर यार। नहीं सर यस मेरा देखो, वॉइस इज नॉट वॉइस इज कमिंग आउट ऑफ कमिंग, मी। मैं ये आ रही हूँ, लेकिन आपको जो है ड्यू मेरा टू वॉइस नेटवर्क या एनी अदर टेक्निकल प्रॉब्लम, ये मे बी इट मे बी ये हो सकता है, तो आप वेट करना सीखो ना जी, कभी आएगा कभी जाएगा, क्या करा फिर खाना है ना? अभी लगा दी तो जब मुझे रेयर केस में ही ना मुझे ऐसा करना होगा, लगा डीवेट दी। एक आपकी बार दो आवाज बार होता बहुत है धीरे आ रही है ना और मंथ कट में, कट के आ रही है सर। रेगुलरली थोड़े होगा। अभी इसका ज्वाइन ही वॉइस देखो, बहुत बच्चे ज्वाइन ही कर रहा है, क्रैक बात नहीं करना है, है आपस में डिस्कस मत करो। अभी मैंने आपको सर, सर ये एकता पांडे, वॉइस सुन रही हो? आर यू लिस्निंग? कृतिका पांडे, सर गुड मॉर्निंग सर, प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। रिवीजन ऑफ चैप्टर 2, जिसमें फूड है ना, फूड जो है वो ऑब्टेन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से। कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? प्लांट से। फूड कहाँ से ऑब्टेन होगा? प्लांट से, वेट ठीक है? क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखो, कहता है कि ऑल लिविंग नीड्स फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको फूड की जरूरत है ग्रो एंड सर्वाइव के लिए, ग्रो एंड वृद्धि के लिए और जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है ना? टू गेट ऑल लिविंग। नहीं गुड मॉर्निंग कौन सा दिन हो रहा है? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सर मेरा माइक डिफेक्शन। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग सर, बात डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो, पढ़ाई करने के लिए हो। तुम्हें जो प्रॉब्लम है पढ़ाई करो। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है, सर तो दिख रहा है अभी, सर आपकी आवाज दिख आ रहा है। रही है। वो थोड़ा बहुत कट के आएगा ड्यू टू नेटवर्क। वह आपको इससे पहले एबी आपकी आवाज डीबीएस आ नहीं हुआ रही था, है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है? तो सर पता है आपका कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप किसी को होस्ट बना के चल जाइए। सर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है।
तो देखो तो ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स जो है सबको म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही, सबको म्यूट कर देते हैं। तो आप जो है ना बदमाश बोलने के लिए आप चाहते हैं, है ना, तो आप ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसके प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और वो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, हमें प्लांट के द्वारा ही हमें भोजन मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, है ना, ओके। तो सोर्सेज ऑफ फूड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, ये पेज नंबर 17 है, कौन सा पेज है ना 17, रीड नहीं आप टीच होगा, पढ़ रहे हो कि रीड कर रहे हो जी, सीख रहे हो ना, यू आर लर्निंग प्रोसेस है, ये टीचिंग प्रोसेस है ना कि रीडिंग प्रोसेस है, रीड करना और टीच करना दोनों में फर्क है, कैच करते हो तो सोच समझ के लिखा करो, ठीक है, ओके। तो हमें ओके तो आपको तो सोर्सेज ऑफ फूड जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट, हम लोग जो फूड पा रहे हैं वो क्या है, वो आपको जो है प्लांट से एनिमल से और देयर प्रोडक्ट, आप जैसे मिल्क, मिल्क से बना हुआ चीज़ बहुत सारे आइटम्स होते हैं, है ना, जिसको डेयर प्रोडक्ट कह सकते हैं, मिल्क है ना, घी हुआ, मिल्क चाहते हो क्या जी मांडवी कुमारी, तुम हॉस्ट बनना चाहती हो मांडवी कुमारी, सो तुम लिख रहा है कि आवाज नहीं आ रहे मांडवी कुमारी, सिद्धार्थ गुप्ता आर यू लिसनिंग, सिद्धार्थ गुप्ता तुम सुन रहे हो सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा सर, आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी हमें, ये तो मैंने पहले ही शुरू से ही क्लियर बोल देते हैं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है ना, नो वन कैन डू इट, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको जब उसको पूरा नेटवर्क मिलेगा तो वीडियो सही से आएगा, आवाज़ सही से आएगा, उसको थोड़ा सा वीक नेटवर्क पड़ेगा तो कभी वीडियो आप ऑन भी किए रहेंगे तो वो वीडियो थोड़ा रुक रुक के आएगा,
आपको आवाज भी रुक रुक के आएगा। क्या सिद्धार्थ, आर यू लिस्टिंग? सिद्धार्थ गुप्ता, मानवी कुमारी सुनाई दे रहा है? सर सिद्धार्थ गुप्ता वॉइस, यस सर सुनाई दे रहा है। तो एक्टिविटी वन में सर, एक्टिविटी वन में जो है आपको कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है। पेज नंबर 18 देखो, पेज नंबर 18 बोल रहे हो, पेज नंबर 18 आदित्या, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, उसमें आपको एप्पल दिया हुआ है, एग्स दिया हुआ है, चीज दिया हुआ है, ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, है ना? आपको नट्स दिया हुआ है, स्पाइसेस दिया हुआ है, पल्सेस दिया हुआ है, हनी दिया हुआ है, वेजिटेबल्स दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, यगर्ट दिया है, आइसक्रीम दिया है, व्हीट एंड राइस दिया हुआ है, ये सारे आइटम्स दिया हुआ है। उस आइटम को दो कैटेगरी में बांटना है, है ना? एक फूड फ्रॉम प्लांट्स और एक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। इस दो कैटेगरी में आपको बांटना है। सर कैन आई से द आंसर? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो आदिव्या, बोलो। सर फूड, यस सर, सर फूड फ्रॉम प्लांट, एप्पल, एप्पल नट, स्पाइसेस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड आइसक्रीम एंड फूड फ्रॉम एनिमल, एग, चीज, एग, चीज, हनी, मिल्क, योगर्ट, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने एक्टिविटी वन में जितने आइटम्स दिया हुआ था उसको दो कैटेगरी में बांट दिया। वो पहला जो कैटेगरी है वो फूड फ्रॉम प्लांट, जिसमें एप्पल है, व्हीट एंड राइस है, स्पीसीज है, पल्सेज है ना, वेजिटेबल है, ठीक है। गोपाल कुमार ये कौन ही कह रहे, टाइल राज टू एवरीवन, क्यों भाई साहिला सुन रहे हो? ये बेवकूफी का हद करना बच्चों का काम हो गया है। साहिल साहिल कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल, व्हीट एंड राइस, स्पीसीज, पल्सेस और वेजिटेबल, ये जो है आपको क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट्स है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। और फूड फ्रॉम एनिमल्स में कौन कौन आता है, एग, चीज, हनी, मिल्क और एगर, ये चीज़ें जो है आपको फूड फ्रॉम एनिमल्स में आता है, am I right? Yes, sir, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। क्या? Yes, sir. बोलिए सर, इसका बोल रही है सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। फूड इसका सिंह क्या बोल रही हो, जोर से बोलो। तो आपको फूड फ्रॉम प्लांट फिर से रिपीट कर दीजिए ना। एक मिनट, क्या बोलो, क्या कह रही हो, बोलो इसका सिंह क्या कह रही हो। सर एक बार फूड फ्रॉम, सर एक बार फूड फ्रॉम एनिमल्स फिर से बता दीजिए ना। फूड फ्रॉम एनिमल्स में एग्स आएगा, है ना, चीज आएगा, हनी आएगा, मिल्क आएगा, यगर्ट्स आएगा, ओके। फूड फ्रॉम एनिमल्स में एग्स आएगा, चीज आएगा, हनी आएगा, मिल्क आएगा, यगर्ट्स आएगा, और कुछ? और बोलो, और कुछ? तो यहाँ ये रीड करना दूसरी बात है, अभी पढ़ाने तो दो, पढ़ा तो रहे हैं, और रीडिंग करना है तो करो आदिव्या राज, ठीक है, करो आदिव्या राज, करो। प्लांट्स मेक देयर, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द सन।
Food is prepared by the leaves of the green plant. It is then stored in different parts of the plant. Human beings and some animals eat these plants in one form or the other. Cereals, grains like wheat, rice, maize, millets, jowar, and bajra are important source of energy. They constitute the major component of our food. Pulses like green gram, moong gram, chana, black gram, urad, kidney beans, rajma, Amrish Raj. Red gram. Amrish Raj. Amrish Raj, तुम आदमी हो कि जानवर हो जी? अमरीश राज को खोजो तो जी, आदमी हो कि जानवर हो? तुम स्टूडेंट जन्म के खड़ा हुआ है, तुम ये सब बोलता है लिखता है जी, वो भी लिखित रिकॉर्ड होता है, ये मालूम है ना तुम्हें? रिकॉर्डिंग ऑन है। अमरीश राज में कार्तिक लिख रहा है, नाम चेंज करके साहिल है ना? अमन राज है सर, अमन राज लिखा हुआ है। अमन सर, साहिल लिख रहा है, नाम चेंज करके। यस सर, अभी नाम चेंज किया हुआ है, वो लिखा हुआ है डीजे डीजे मयंक, अब कर लिया। अच्छा ठीक है, उसको मयंक के नाम से है सर अभी। ठीक है, अमरीश और मयंक, ये कौन कौन किया है? किस जानवर है? है ना, अमरीश कुमार किया है। किस सेक्शन में है? सर पता नहीं, वो नहीं लगाता अपने। सर अमन कुमार किया है। किस सेक्शन में है वो? किस सेक्शन में है वो? किस सेक्शन में है वो? सर नहीं पता, वो हर एक क्लास में ऐसे ही आता है विदाउट सेक्शन एंड रोल नंबर। हर एक क्लास में आ जाता है? हर एक और सर सर एक मयंक कुमार तो है ही, और वो अपना नाम चेंज कर मयंक लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, चैटिंग सिर्फ है, एक मयंक कुमार है। ठीक है, चैटिंग ऑप्शन मैंने बंद कर दिया है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि तुम किसी को गाली नहीं, ये जो लिख रहे हो समझो कि तुम अपने पेरेंट्स के लिख रहे हो, माँ बाप को लिख रहे हो, ये है ना, ये सोचो अपने आप को, है ना, ये तुम जो कर रहे हो ये खुद को कर रहे हो, और अच्छा लग रहा है तुमको कि अपने फादर को ये बातें लिखना है? तुम्हें जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको कभी भी, कोई भी टीचर तुम्हें गलत डायरेक्शन पर नहीं ले जाएगा, सही डायरेक्शन पर ही ले जाएगा। प्रॉब्लम नेटवर्क का एरर तुम अपने से भी फेस कर रहा होगा ऑनलाइन क्लास में, कि कभी तुम ज्वाइन कर पाते हो कभी नहीं कर पाते हो, और मेरे क्लास में ये चीज आप देख रहे होंगे कि आप कभी भी ज्वाइन करते हैं मैं एडमिट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने लॉक कर देता हूँ, मीटिंग को लॉक कर देने के बाद नहीं ज्वाइन हो पाता है ना, अदरवाइज हमने एडमिट ही नहीं करेंगे तब भी नहीं ज्वाइन हो पाएगा। तो ये चीज़ अपने आप को सोचो, और यही सेक्शन में होता है, ए बी में कहाँ हो रहा है, यही सेक्शन ई एफ में है, कोई ऐसा दिमाग का वो सोच लो कि अपने फादर को ऐसी बातें लिख रहे हो, है ना? हाँ बोलो। एफ सेक्शन या एफ सेक्शन का है शायद। हाँ तो ई एफ ही में ना है कोई, और नाम जानता हूँ तो बोलो नाम भी जानता हूँ। क्या नाम है उसका? सर वो अपने आईडी से आता ही नहीं है, वो कभी चेंज कर लेता है, कभी कुछ रख देता है, कभी कुछ। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल में कल जाऊंगा ना तो मैं उसको क्लास टीचर को बताऊंगा, है ना? ठीक है, तो क्लास टीचर को मैं शेयर करूंगा, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स को, है ना? और ये सोच लो कि तुम स्कूल में एक मिनट रुको, स्कूल में तुम अभी सिक्स क्लास में हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि स्कूल सिक्योरिटी मनी रखे हुआ रहता है, और स्कूल के पास सबसे बड़ी चीज़ें हैं
कि आप टेंथ तक जो है आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगा, है ना। बहुत सारे पावर्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, आप ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दिमाग की खामियां है। कभी भी सीनियर से ये पूछो, शैतानी इस तरह से बचपना मत किया करो, है ना। और जो टीचर्स है एज ए पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर की तरह होते हैं, तो इस तरह से चैटिंग ऑप्शन दिया गया था दिया, नुकसान कौन भुगतेगा, तुम ही लोग। ना चैटिंग ऑप्शन दिया जाता है किस लिए, कि आप अगर किसी तरह से आवाज़ नहीं सुन रहे हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस हैंड्स रेज करोगे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो आप इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। Have you any problem? Yes, करो। रुको। सृष्टि सिंह को पढ़ने दो, आप पढ़ने दो सृष्टि सिंह। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द प्लांट। Food is prepared by the leaves of the green plant. It is then stored in different parts of the plant. Human beings and some animals eat these plants in one form or the other. Cereal grains like wheat, rice, millet, jowar and bajra are important sources of energy. They constitute the major component of our food. Pulses like green gram, moong ग्राम, चना, ब्लैक ग्राम, उड़द, किडनी बीन, राजमा, स्वीट रेड ग्राम, अरहर, रेड लेंटी, मसूर एंड सोयाबीन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड मेलन आर गुड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Green leafy vegetables like spinach, mustard, can I say what is this? हाँ तो देखो ये food from plants में, हाँ एक मिनट आप वेट करो, कुछ समझ लो कि खाली रीडिंग है देगा, है? पर समझने के लिए ना टीचर है जी, समझाया जाएगा तभी ना, रीडिंग देना भी एक पढ़ाई ही है, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश प्रॉब्लम होती है, कुछ को पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वह चीज क्या कहना चाह रहा है वह तो समझ लो। तो यहाँ फूड फ्रॉम प्लांट्स में पहला चीजें हमें क्या मिल रहा है, फ्रूट्स। जैसे फ्रूट्स के एग्जांपल में क्या दिया है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, है ना, इन मेलन, ये सभी क्या है, फूड प्लांट से मिलता है और दीज आर द सोर्सेज, गुड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेज है, ओके। तो आप जो है, दूसरा चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी प्लांट से भी मिलता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का रोल जो है वह आपको जो है कॉन्स्टिपेशन दूर करने में किया जाता है, ठीक है। तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन के कारण ही बहुत सारे डिजीज क्रिएट हो जाते हैं, और इसी कारण मार्केट में उसके लिए कंस्टिपेशन दूर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन वह 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो 100% सक्सेसफुल है कि अपने डाइट्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जरूर यूज करें, तो नेचुरल वे में आपका जो कंस्टिपेशन रहेगा ही नहीं, पेट साफ होते रहेगा और ना कोई डिजीज होगा, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कौन कौन है, स्पिनेच, मस्टर्ड, है ना, फेनुग्रीक एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, लेडी फिंगर, टर्निप, कैरोट, ब्रिंजल एंड पोटेटो, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि हम जो खाना बनाने में ऑयल का यूज करते हैं, बॉडी में लगाने के लिए भी ऑयल का यूज करते हैं, वह कहाँ से मिल रहा है, तो वह भी प्लांट से मिल रहा है, जैसे कि सीसम वाइल, सनफ्लावर वाइल,
योर नट वाइल एंड कोकोनट वाइल है ये सभी कहीं कहीं पर नारियल के तेल में ही खाना बनता है ना। जहाँ नारियल की खेती होती है ना वहाँ पर नारियल के ही तेल में, हम लोगों के यहाँ सरसों के तेल में खाना बनता है। तो किसी के यहाँ जो है वो आपको नारियल के तेल में ही खाना बनता है। तो इस तरह जो हम लोगों को जो फूड आइटम्स है वो कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, उसमें भी आप क्या मिल रहा है, तो ये आयल्स मिला और एसपी से मसाला जो को खाना को बड़ी टेस्टी बनाता है। और जो मैगी खाते हैं आप किसके वजह से, स्पाइसेस की वजह से कि मसालेदार रहता है, चटपटा रहता है, तो वो मसाला जैसे जीरा हुआ, हल्दी हुआ, काली मिर्च हुआ, क्या बोला है जी, तो वो चीज़ आपको जो है कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। स्पीसीज लाइक क्यूमिन, जीरा, टर्मरिक, हल्दी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कर्डमन, इलायची, चिली मिर्च, कैरम सीड्स, अजवाइन एंड क्लोव प्लान, ये सब जो है हमारे फूड से मिलता है और हमें टेस्टी बनाता है, मेक इट टेस्टी। ओके क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। चलो तो यस सर, कैन आई रीड फूड फ्रॉम एनिमल्स? इसका सिंह हमेशा तुम्ही बयान सिंह बोलो, बयान सिंह पढ़ो, फूड फ्रॉम बयान सिंह पढ़ोगे, नाम बोल दिए ना, करो फूड फ्रॉम एनिमल्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड, वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, मिल्क इज कंसीडर्ड ए कंप्लीट फूड, मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, काउज एंड बफेलोज आर द मेन मिल्क एनिमल्स, कैमल्स आल्सो गिव अस मिल्क, एग्स, हेंस ducks and foals, they birds are known as birds. Their eggs are a rich source of protein and vitamins and are eaten by many of us. Meat, fish, goats, sheep, pig and chicken are important sources of meat. Prawns, crab and shrimp constitute the seafood. फ्लावर्स दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स दे मेक एपीआई विच विच दे लाइव एंड फ्रूट द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स एज हनी वी यूज हनी इन आवर फूड एंड इन सेवरल मेडिसिंस। आगे बढ़ गया हो गया? यस। तो हमें एनिमल से एक वीडियो रुको, तो एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, जैसे गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, कहीं कहीं ऊँट का भी दूध यूज होता है, तो जहाँ जो है वहाँ पे वही यूज होगा। तो ये गाय और भैंस का हम लोगों के यहाँ यूज होता है, उसके आप बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, जैसे पनीर चीज़ जो बनता है वो कहाँ से, मिल्क से ही बनता है, जो बहुत सारे स्वीट्स है, मिठाइयाँ वगैरह है, वो कहाँ से बनेगा, मिल्क से ही बनेगा। तो ये आपको जो चीज जो एनिमल्स दूध देती है उसको हम लोग मिल्क एनिमल्स कहते हैं। कॉज एंड बफेलोज आर्डर टू मेन मिल्क एनिमल्स, गोट एंड कैमल आल्सो गिव मिल्क, कहीं कहीं ऊँट और बकरी का भी दूध, ऊँट भी दूध देती है और बकरी भी, तो कहीं कहीं बकरी का भी दूध लोग यूज करते हैं। और गांधी जी ने आपको एक बुक लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें ये मेंशन किया है कि बकरी का दूध पीना चाहिए। और बहुत सारे डिजीज में बकरी का दूध का भी यूटिलाइज होता है, भले ही उसको पीने में कुछ अलग टेस्ट लगता है लेकिन उसका भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एग्स, तो हैंड डक्स एंड फॉल ले एग्स, ये मुर्गी
बत्तख घिसबी भी अंडा देती है। विच बर्ड्स आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड। अब देखिए अभी मिल्क एनिमल के बारे में जाना, जो दूध देने वाला है उसको मिल्क एनिमल कहते हैं, जो अंडा देने वाला है उसको हमें पोल्ट्री बर्ड्स कहेंगे। जो अंडा देने वाले बर्ड्स हैं उसको हमें क्या कहेंगे, पोल्ट्री बर्ड्स कहेंगे। ओके, तो हैन डक्स एंड फॉल ले एग्स, दीज बर्ड्स आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स। देयर एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड आर ईटन बाय मेनी ऑफ अस। जो ये सभी चीज़ें जो है आपको, जो अंडा देने वाला है उसको पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं, जो दूध देने वाला है उसको मिल्क एनिमल्स कहते हैं। तो ये हमें मीट, फिश, गोट, सी, पिग एंड चिकन्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मीट्स। प्रॉन, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स कंस्टिट्यूट द सी फूड। तो ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सारे चीज़ें जो है वो क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। और अभी अभी आप पढ़ेंगे कि हमने फूड को तीन कैटेगरी में बांट दिया है, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन्स आते हैं, और ये मीट जो है, मीट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, है ना। एग्स आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड मेनी अदर विटामिन्स। तो इस चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत है? No, sir, no problem. Yes, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यानी कि ये, और हमें जो हनी है, हनी भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, लेकिन उस हनी को कलेक्ट करने में एनिमल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना। एनिमल जो है वो उसको कंट्रीब्यूट सर, कैन आई रीड फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट फूड एंड सर कैन आई रीड सर कैन आई रीड सर कैन आई रीड सर कैन आई रीड सिद्धार्थ कुमार सर कैन आई रीड सिद्धार्थ गुप्ता सर कैन आई रीड सर कैन आई रीड सिद्धार्थ कुमार तो एनिमल्स यस कैन आई रीड वेट करो ना जी तो आप वेट करना सीखो, मैं समझा रहा हूँ ना जी, मैं तुम साइलेंट नहीं ना हो, पढ़ा रहा हूँ ना। तो आप हनी को कलेक्ट करने में क्या है, एनिमल्स जो कुछ नेक्टर्स है ना, जो आपको फ्लावर से वो उसका जूस को कलेक्ट करते हैं और वो स्टोर करते हैं, वही हनी। और हनी का यूज जो है, कहता है हनी जो है वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स कर जाता है। आयुर्वेद में मधु, हनी को ही हिंदी में मधु कहते हैं, वो बहुत ही कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो उस जगह आपको हनी के साथ खाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको हनी के लिए। ओके, तो आपको जो है वो चीज, तो आप पढ़ सकते हो फूड एंड इट्स कंपोनेंट। वैसे टाइमिंग थ्री फोर मिनट्स बाकी है, आप फूड एंड इट्स कंपोनेंट से पढ़ोगे। चलो पढ़ो राहुल कुमार, कौन यस राहुल कुमार पढ़ो, राहुल कुमार को पढ़ने दो, राहुल कुमार पढ़ेगा, करो करो जी। फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कर लिया? हां कर लिया, आ रही है पढ़ लिया, पढ़ लिया जी। सिद्धार्थ कुमार तुम पर हो, सिद्धार्थ गुप्ता तुम पर हो, फूड एंड इट्स कंपोनेंट से, फूड एंड इट्स कंपोनेंट से पढ़ना है। यस सर, यस सर।
food and its components. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are the important components of food. The following categories of on the basis of energy body condition, protective vitamins. What was discussed? Carbohydrates are made of carbohydrate and oxygen. We have to discuss carbohydrates in our diet are a source of energy. Fruit, mango, banana, leafy vegetables, which are easy to digest. Carrots like beans. ठीक है, तो आपको फूड न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। सुनो अभी, मम्मी न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, दीज आर द नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर? तो कहता है रफेज, जो डाइट्री फाइबर्स है ना, फाइबर्स का यूज किया जाता है। अभी देखो, मैंने कहा था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो कंस्टिपेशन को दूर करने में वह हेल्प करता है। अभी जो भी डिजीज क्रिएट होता है वह कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है आपको डिजीज से राहत मिल जाएगी, प्रॉब्लम आप हेल्दी फील करेंगे, और हेल्थ अगर आप बॉडी सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, तो हेल्थ दी बॉडी में ही साउंड माइंड का निवास होता है। तभी आप अच्छे जो माइंड है वह माइंड डेवलपमेंट करेगा, हर एक दिमाग शार्प होगा, और आप जो है पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा, और वहाँ भी आप आगे प्रोग्रेस कर